नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ के ऊपर। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभास जो है वो हर तरह की परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। वो जितनी अच्छी एक्शन करते हैं उतना ही शानदार जो है उनका रोमांटिक रहता है, और वैसे ही शानदार ड्रामेटिक सीन भी देते हैं वो। अब जहाँ तक सवाल उठता है कि आगे क्या है उनके लिए स्टोर में, तो ये सवाल जो है बहुत उचित है पूछा जाना। और अभी जो है दो फिल्में उनकी बात की जा रही हैं इस समय, एक है प्रभास 20 और दूसरी है प्रभास 21। प्रभास 20 और प्रभास 21 जो है ये जल्द ही आएंगे। प्रभास 20 जिसका कि भी टेंटेटिवली नाम है जान, वो ऑलमोस्ट शूटिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, वो कंप्लीट अवश्य हो जाएगा जल्दी ही। और उसके बाद आता है प्रभास 21। प्रभास 20 जो है वो एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें आपको एक्शन वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे ही बात कीजिएगा प्रभास 21 की, तो प्रभास 21 इज़ अगेन एन आउट एक्शन फिल्म जिसमें फिर से एक्शन को एक नए लेवल पर लेके जाया जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इस फिल्म में दो भाषाओं में ये फिल्म बनने वाली है, ये फिल्म हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में बनेगी, ठीक उसी तरह जिस तरह साहू बनी थी। और उसके बाद जो है ये फिल्म डब की जाएगी तमिल में भी, कन्नड़ा में भी और मलयालम में भी। तो ये फिल्म जल्द ही आएगी आपके सामने। और इस फिल्म में ये सुनने में आ रहा है कि नाग अश्विन ने जो हीरोइन चुनी है वो हीरोइन और कोई नहीं बल्कि कैटरीना कैफ है, और इसका रिकमेंडेशन खुद प्रभास ने दिया था। देखा जाए क्या होता है, हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे खबर प्रभास 20 की भी, प्रभास 21 की भी, 22 जब आएगी उसकी भी ले आएंगे, घबराएं नहीं। आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।